नमस्कार, आर एन रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं आज बनाने जा रही हूँ इम्यूनिटी काढ़ा। ये काढ़ा आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और बहुत ही स्वादिष्ट काढ़ा बनाऊंगी मैं आज और पौष्टिक। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। इम्यूनिटी काढ़ा बनाने के लिए हमने हल्दी घर पर तैयार करी है। देखिए, घर की शुद्ध हल्दी है बिल्कुल। इसको हम इस तरह से तैयार करेंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे वो आपको हम बता रहे हैं। हम बाज़ार से खड़ी हल्दी ले आएंगे, जो बाज़ार में खड़ी हल्दी आती है, ला करके उसको हम पानी में भिगो करके रख देंगे। दो दिन के लिए, दो से तीन दिन के लिए पानी में रख देंगे भिगो कर। हल्दी खूब फूल जाएगी देखिए, और जो इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है देखिए, ऐसे बिल्कुल जो इस तरह से मुड़ने लग जाएगी। आपको हम तोड़ के दिखा रहे हैं, देखिए कितनी आसानी से टूट गई है। बहुत ही सॉफ्ट हल्दी हो जाती है। फिर इसको हम पानी से निकाल करके, उसका पूरा पानी झड़ जाएगा हल्दी का। फिर हम उसको कद्दूकस से इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लेंगे। हमने बारीक वाले से देखिए इतनी हल्दी करी है। इस तरह से लेकर के हम इसको दिखा रहे हैं आपको। हम इसको ऐसे करेंगे इस प्रकार से। देखिए बिल्कुल इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, और हम साथ ही साथ इसको कपड़े पे भी फैलाते जा रहे हैं। पूरे कपड़े पे अच्छी तरह से फैला देंगे, कपड़े पे या अखबार पे, कागज पे, किसी पे भी। सारी हल्दी हम इस तरह से कद्दूकस करके, घिस करके, और इसको हम धूप में रख देंगे फैला करके पूरे में, अच्छी तरह से पूरे में करके इसको हम धूप में रख देंगे। धूप में हल्दी जो सूख जाएगी अच्छी तरह से, दो से तीन दिन में आराम से सूख जाएगी हल्दी। तेज धूप में रख देंगे इसको। फिर हम उठा के डिब्बे में रख देंगे बंद करके, और जब भी हम काढ़ा बनाएंगे उसमें से हम एक चम्मच, आधी चम्मच हल्दी लेकर के इसी तरह की काढ़े में डाल देंगे और उबाल लेंगे। इसको पीसने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इसका काढ़ा हम कैसे बनाएंगे वो आपको अभी हम दिखाएंगे। और काढ़े में हमें और क्या क्या सामग्री चाहिए वो आपको हम बता रहे हैं। हमने लिए पिसी हुई सौंठ, सौंठ पाउडर है ये 40 ग्राम। आप इसकी जगह पर अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 80 ग्राम दालचीनी, 70 ग्राम लौंग, 75 ग्राम काली मिर्च है। आप इन सब सामग्री को मिला करके एक साथ मिक्सी में डाल करके पीस लीजिएगा, और इसमें से कुछ सामग्री ज़्यादा कम भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं है, कोई नुकसान नहीं करेगा। काढ़ा है, फ़ायदा करेगा बहुत ज़्यादा। हमने सभी सामग्री को, तीनों सामग्री को मिक्सी में पीस लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं करा है देखिए, दरदरी पीसी है हमने। अब इसमें हम सौंठ का पाउडर मिला देंगे और इसको मिक्स कर देंगे बिल्कुल। ये सामग्री हमने मिला ली है। अब हम काढ़ा बनाएंगे। उसके लिए हमने एक पैन को रख दिया गैस पे। उसमें हम डालेंगे एक गिलास पानी। हमने एक गिलास पूरा पानी लिया है। इसमें हम डाल देंगे, हमने मिक्स करा था सब कुछ मसालों को, उसमें से हम लेंगे एक चम्मच। देखिए एक चम्मच हमने लिया है, इसको हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच। और हम लेंगे हल्दी एक चम्मच। अभी सूखी नहीं है हल्दी, सूख जाएगी तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, तो आप इसकी कम लीजिएगा हल्दी को। अभी हम एक चम्मच लेंगे, देखिए पूरी भरी नहीं है, एक चम्मच हल्दी इसको डाल देंगे हम, सबको मिला देंगे हम। अब इसको उबलने देंगे मीडियम गैस पे। पहले हम कर देंगे, इसमें एक उबाल आएगा अच्छी तरह से, फिर हम गैस को धीमा करेंगे और धीमी गैस पे इसको हम आधे घंटे के लिए उबलने देंगे। पानी आधा हो जाना चाहिए उबल करके, तब हम गैस बंद करेंगे। इसको हम ढक देंगे। अब इस पाउडर को हम, जो हमने बनाया है पाउडर, इसको हम डिब्बे में बंद करके रख देंगे, और इसी में से निकाल के हम काढ़े में इस्तेमाल करेंगे रोज। देखिए इसमें उबाल आने लगा है। अब इसको हम धीमी गैस पे उबलने देंगे लगातार। देखिए कितना उबल गया है काढ़ा। इसको हमने 30 मिनट के लिए उबाला है। पानी इसका आधा हो गया उबल करके, पानी उबल के इसका आधा हो गया है। हम गैस बंद कर देंगे।
में डाल देंगे हम एक छोटी चम्मच काला नमक। इससे इसका स्वाद अच्छा हो जाता है और नुकसान भी नहीं करता है। डालेंगे इसमें हम आधा नींबू का रस। अब इसको हम छान लेंगे। हम चन्नी से छानेंगे बर्तन में। काढ़ा तैयार हो गया है बंद करके। इस काढ़े को और स्वादिष्ट करने के लिए, ताकि बच्चे बहुत आसानी से पी सकें इस काढ़े को और बहुत स्वाद से पियेंगे बच्चे, अपने आप रोज आपसे मांगेंगे इस काढ़े को। इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच शहद और इसको मिला देंगे। अब इसको हम गिलास में कर देंगे। लीजिए तैयार है इम्यूनिटी काढ़ा। बीमारी फैल रही है कोरोना, इस काढ़े को रोज बना के पिलाइए, ताकि सब उस बीमारी से दूर रह सकें और रोगों से लड़ने की क्षमता मिले सभी को, पूरे परिवार को। इस काढ़े को बच्चे भी पियेंगे, बहुत स्वाद से पियेंगे। डेली अपने आपसे मांगेंगे बच्चे। मैं अपने परिवार को इस काढ़े को रोज बना के पिलाती हूँ। मेरा परिवार बहुत ही स्वाद से पीता है, सबको बहुत ही पसंद आता है और पौष्टिक बहुत है, ये तो आप सब जानते हैं। इसको आप बनाइए काढ़े को डेली। इसको आप बना करके 2 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं इस काढ़े को आप, ख़राब नहीं होता है।